एट क्लास, आज हम आपका नया सब्जेक्ट करने जा रहे हैं, वो है नया उत्सव, हिंदी की पाठमाला। इसकी पहली कविता है जलाओ दिए। इस कविता में कवि दुनिया की बुराइयों को अच्छाइयों से जीतने के लिए बोल रहे हैं कि इस तरह के दिए जलाने चाहिए कि इस दुनिया से, इस धरती से जो बुराइयों का अंधेरा है वो ख़त्म हो जाए। चलो हम शुरू करते हैं। जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह ना जाए। इस तरह के दिए जलाओ कि जो इस धरती पे किसी भी ओर अंधेरा ना रह जाए। इसमें दिए का मतलब ये नहीं है कि दिए में बाती लगाओ और तेल डालो वो दिया। इसमें ये दिए का मतलब ये है अच्छाई का दिया। जैसे नई ज्योति के धर नए पंख झिलमिल, उड़े मृत्यु मिट्टी गगन स्वर्ग छूले, लगे रोशनी की झड़ी झूमे सी, निशा की गली में तिमर राह भूले, खुले मुक्ति का ये किरण द्वार, जगमग उषा जाना पाए, निशा आना पाए। इस तरह इस ज्योति के जो दिए हैं, इस तरह दिए जलाने चाहिए कि जो धरती है उसके नए पंख निकल आए, जो मरी हुई मिट्टी है वो भी गगन स्वर्ग को छू सके, और जो रोशनी है अच्छाई की रोशनी है चारों ओर झूम उठे और बुराइयों को मुक्ति मिले, और उषा अंदर आ ना पाए और उषा जा ना पाए और निशा आ ना पाए। जलाओ दिए पर रहे ना ध्यान, अंधेरा धरा पर कहीं रह ना जाए। इस तरह धरती पे अच्छाइयों के दिए इस तरह जलाओ कि धरती पर अंधेरा कहीं भी ना रहे। सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में, कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी, मनुजता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी कि जब तक लहू के लिए भूमि प्यासी, चलेगा सदा नाश का खेल यूं ही भले ही दिवाली यहाँ रोज आए। इस तरह कवि ने इसमें यहाँ बताया गया है कि ये जो विश्व है पूरी दुनिया है जो इसका सृजन है वो अधूरा तब तक रहेगा जब तक इस दुनिया में बुराई है, जब तक इस दुनिया की जो धरती है वो रक्त मांग रही है तब तक चारों ओर नाश ही होगा, चाहे अच्छाई की दिवाली रोज जले। जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा दरा पर कहीं रह ना जाए। इस तरह दिए जलाने चाहिए कि जो इस धरती पे अंधेरा कहीं भी ना रह जाए। मगर दीप की दीप्ति से सिर्फ जग में नहीं मिट सका है दरा का अंधेरा, पर ये नहीं है कि अकेला तेल वाले दिए जलाए। इस तेल से जो तेल वाले दिए हैं इससे नहीं बुराई जाएगी, बुराई तो अच्छे कर्मों वाले दियों से जलेगी।